हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान, आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एस एस सी जी डी की क्लासेस चल रही है, उसमें मैं जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसमें मैं दो पार्ट खत्म हो चुके हैं, अब आता है तीसरा पार्ट। तो चलते हैं इसी को कंटिन्यू लेके पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पिछला पार्ट में आपने पढ़ा था उसी का लास्ट जो क्वेश्चन था उसी को कंटिन्यू लेके आगे पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना होता तो मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्लियर? जैसा कि आप पिछला क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि क्रय मूल्य हमें हमेशा क्या होता है, या तो 100 रुपये पर मान के चलते हैं या तो 100% पे मान के चलते हैं। यानी क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 रुपये मान के चले। इस पे इसको क्या हुआ, कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 25% का उसको लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी, 125 रुपए की। भाई कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है और 25% का लाभ ले लेंगे तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 125 रुपए की। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, चलिए तब भी मैं बता देता हूं। 100 रुपए का यदि 25% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 × 25/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज जैसे हटता है तो 100 हमारा नीचे आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, 25। यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा 25। यानी हमें पता चल गया कि 100% में 25% कितना होता है, 25 होता है। 100 रुपये मेरे पास था ही, उसमें 25% और लाभ ले लिया, 25 रुपये का और लाभ ले लिया, तो 125 आ गया। क्लियर हो गया? अब वो दूसरी बार क्या कह रहा है कि वो किस रेट पे बेचे कि उसको 30% का लाभ हो। अब ये कह रहा है ये किस रेट पे बेचना चाहेगा, तो 100 रुपए की वस्तु है 30% का लाभ लेना चाहता है तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 130 रुपए में। अभी करंट में यानी वर्तमान में वो 125 रुपए में बेच रहा था भाई, 125 रुपए में वो बेच रहा है। यानी पहली बार उसने कहा कि 25% का लाभ ले रहा है, कितने पे, 70,000 रुपए पे ले रहा है ना। हमारे अनुसार कितना है, 125 रुपए, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 70,000 रुपए। कितना है, 70,000। ये तो कह रहा है करंट वैल्यू तो हमारी यही है ना, ये तो फ्यूचर की बात कर दिया कि 30% फ्यूचर में किस मूल्य पे बेचे, फ्यूचर की बात आ गई, और ये करंट में अभी बेच रहा था। तो इस पे कितना हो रहा है, इससे कितना गुना है, 560 गुना। कितना गुना है, 560 गुना। क्लियर? तो इसी अनुसार ये भी कितना हो जाएगा, 560 गुना, कितना आ जाएगा, 72,800, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी वो 70,000 में बेच रहा था, यदि उसको 30% का लाभ चाहिए तो 72,800 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हो गया? चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहां से टाइप चेंज होगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर का क्वेश्चन था, उसी अनुसार मैंने बताया। अब क्या कह रहा है ये ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदता है। कोई व्यक्ति होगा 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदा, यानी 5 रुपए में 6 संतरे खरीदे, ये कहने का मतलब है, तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। भाई जब सबसे पहले उसने क्या किया, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले उसने क्या किया, खरीदने की बात करी है। क्या किया, खरीदने की बात की है। क्वांटिटी कितना है हमारा, कितना है, 6, और रेट हमारा कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 रुपए। यानी 5 रुपए में 6 संतरे खरीदे उसने। पहली बार वो 5 रुपए में कितना खरीदा, 6 संतरे खरीदे, यानी सीपी हमारा ये आ गया। अब वो फिर क्या कह रहा है कि एसपी, यानी उसने कितने में कितना बेचा, 6 रुपए में 5 संतरे उसने बेचा। क्लियर भाई, 5 रुपए में 6 संतरे तो खरीद लिए उसने, अब उसने 6 संतरे 5 रुपए में बेच दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसका टोटल संतरे हैं कितने। भाई टोटल संतरे आपको पता चल जाएगा तो आराम से आप निकाल लोगे कि कितने में क्या बेच रहा है। तो टोटल पैसा निकालना, तो क्या करेंगे, 5/6 और 6/5। क्लियर? यानी 5 रुपए ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया। भाई आप ये तो कहोगे 5 रुपए में इतना चीज मैंने खरीदा है और 5 इतने रुपए में इतना चीज मैंने बेच दिया, तो 5 हमारा क्या है,
ऊपर आ गया और 6 हमारा नीचे आ जाएगा। क्यों आया मैंने बता दिया, क्योंकि आप जो चीज खरीद रहे हो वही चीज तो खरीदने जा रहे हो, उतने ही पैसे में से खरीद रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि 6 रुपए में मतलब 6 संतरे उसको खरीदने जा रहे हो 5 रुपए में, ऐसा तो नहीं, उल्टा तो नहीं कहोगे ना, उल्टा नहीं कहोगे ना, वही चीज है। अब टोटल हमको निकालना है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसकी, यानी टोटल जो क्वांटिटी है उसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। अब 30 एलसीएम आ गया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारा कितना, 6 × 5 = 36, 36। यानी कोई सामान इधर नहीं दिख रहा होगा तो उधर थोड़ा और बढ़ा के करते हैं इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाए, इधर कम दिख रहा होगा। देखिए देखिए दूसरा नंबर है, ये सीपी हमको दिया हुआ है क्या, ये क्वांटिटी है और ये हमारा रेट है। यानी कोई वस्तु 6 है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है। सेलिंग जब उसने किया तो 5 का सेलिंग किया 6 रुपए में, तो क्या हो जाएगा, 5/6 और 6/5। क्लियर। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि टोटल जो संतरे थे वो 30 थे, टोटल वो संतरे थे 30 थे। जब उसने बेचा तो देखा कि 25 रुपए में पहले वो खरीदा था और 36 रुपए में उसने बेच दिया, कितने का डिफरेंट आ गया, 11 रुपए का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो आप जानते हो कि सीपी हमारी क्या है, सीपी हमारी ये है ना, और ये हमारी एसपी है, ये तो है भाई, सीपी हमारी ये है और एसपी हमारी ये है और प्रॉफिट हमारा ये है। यानी कि सीपी हमारी कितना है, 25, और प्रॉफिट हमारा 11 है। इस पे क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 44% उसको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कुछ भी नहीं करना था, क्वांटिटी इधर आ जाएगी, रेट हमारा इधर आ जाएगा भाई, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/6। जब ये आ गया तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, संतरे हैं कितने, टोटल हमने निकाला 30। अब 30 को बेचना है तो कितना, 25 रुपए में उसने खरीदा और 36 रुपए में उसने बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 11 रुपए का। तो 11 रुपए पे 25 क्यों नीचे आया, क्योंकि हमारी सीपी हमारी 25 है, लाभ हमारा 11, इसको 100 में मल्टीप्लाई कर दिया गया, 44% इसका आंसर आ गया। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, देखिएगा थर्ड। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 के रुपए के भाव से खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले उसने खरीदने की बारी कही तो सीपी हमारी क्या है, क्वांटिटी और रेट। 10 रुपए में उसने 11 नींबू खरीदे, जब बेचने की उसकी बारी आई तो उसने 11 रुपए में 10 नींबू बेच दिया, बस टोटल नींबू निकाल लीजिए तो क्या होगा, 10/11/11/10, टोटल नींबू 110 हो जाएंगे एलसीएम लेने पर, आ गया ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 रुपए में उसने खरीदा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 121 रुपए में उसने बेच दिया। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है और 121 रुपए में बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ उसको, 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 21/100 × 100, भाई परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 करना ही पड़ेगा, 100 यहाँ पे सीपी हमारी सीपी ये आ गई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 21%,
और यही इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? नो डाउट, चलिए आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ी सी एक बात समझिए। माना ये पेन है, तो आपके पास ये पेन है, दो पेन है आपके पास। एक पेन पहले आपने 5 रुपए में बेचा, एक पेन पहले आपने 5 रुपए में बेचा, दूसरा पेन 7 रुपए में बेचा, दूसरा पेन 7 रुपए में बेचा, तो टोटल आपका पेन कितना हो गया, कितने रुपए में गए? 7 5 12 रुपए। आपके हाथ में कितना आ गया? 12 रुपए आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, कुछ नींबू 10 रुपए के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से, तथा उतने ही नींबू 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदा जाता है। दो बार उसने खरीदा है, पहले 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदा और फिर 10 रुपए में 9 के भाव से नींबू खरीदा। कुल नींबू 1 रुपए प्रति नींबू के भाव से बेच दिया गया। अब 1 रुपए के हिसाब से उसने नींबू बेच दिया, जितने नींबू थे, तो सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। परसेंटेज नहीं पूछा, ओनली हानि लाभ पूछा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे कह रहा बस वैसे वैसे करते जाओ। दो बार इसने खरीदा, पहली बार उसने क्या किया, क्वांटिटी रेट, पहली बार उसने 10 रुपए में 11 नींबू खरीदे, ये तो कह रहा है। दूसरी बार में 10 नींबू 9 के भाव से खरीदा, सीपी हो गया। और जब बेचने की बारी आई तो उसने 1 रुपए में 1 के भाव में बेच दिया। क्लियर हो गया? इनका एलसीएम ले लीजिए तो 10/11, 10/9, 1/1, ये तो होगा। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इनका लिया तो कितना आ गया, 99। कितना आ गया, 99। क्या इसमें भी 99 आएगा? क्या इसमें भी 99 आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टोटल कह दिया ना यहाँ पे भाई, इसने साफ साफ ये कह दिया कि ये एक बार खरीदा, ये एक बार खरीदा, और जितने नींबू आए, इसके जितने नींबू आ रहे हैं वो 1 के भाव में 1 में बेच रहा है। तो नींबू टोटल कितने हैं? पहली बार में उसके 99 नींबू आए थे, दूसरी बार भी उसके 99 नींबू आए थे, तो टोटल कितना हो गया, 99 पहली बार में और प्लस 99 दूसरी बार में। भाई टोटली नींबू तो होगा। मान लीजिए आपके पास दो पेन है, पहली बार आपने 5 रुपए में बेचा, दूसरी बार आपने 7 रुपए में बेचा, तो पेन तो आपके पास दो थे ना, टोटल पेन तो आपके पास दो थे ना, तो वही चीज होती है टोटल। भाई एसपी जितनी, सीपी जितनी होगी उतनी तो आप बेचोगे, इसलिए। तो कितना आ गया ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9.90, ये तो होगा। और इससे ये हो जाएगा तो क्या जाएगा, 110। तो टोटल जो नींबू आया भाई, ये टोटल हमारा कितना है यहाँ पे, 198। भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो वही आना है 198, और ये कितना आ जाएगा, 200। टोटल हमारे पास 200 रुपए थे और 198 रुपए में हमने सेल किया, कितने का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ। यानी कि सीपी माइनस एसपी बराबर कितना है, 200 माइनस 198 इजकल टू 2 रुपए, क्या हो गया, हानि हो गई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चले आगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इतना दिमाग में रखिए कि ये दो बार खरीदा है, तो पूरा जो चीज खरीदा उसी को तो बेचेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको खरीदा और इसमें बेच दे, नहीं। ये कह रहा है कि इन दोनों को जो खरीदा और जो जितना खरीदा वो 1 के भाव में 1 को बेच दिया। यानी कि 99 रुपए में पहले वो खरीदा था, 99 नींबू पहले खरीदा था, दूसरी बार भी 99 नींबू खरीद रहा है, तो टोटल 198 नींबू खरीदा उसने, ये तो खरीदा। इन दोनों को जोड़ा गया इसलिए क्योंकि ये पहला जो है सीपी और दूसरा सीपी का दोनों का जो है, तभी तो वो एक एक करके बेच रहा है, तो वही चीज इसलिए जोड़ा गया। क्लियर हो गया? पांचवा नंबर चले, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 2 के दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू 2 में 1 रुपए के दर से खरीदे
और उसको रुपए में 3 की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। पांचवा नंबर, पहली बार उसने जब सेल खरीदा, क्वांटिटी रेट, पहली बार जब उसने खरीदा तो क्या कह रहा है, 2 रुपए में 1 की दर से खरीदा, 1 मिनट, 1 रुपए की दर से, 1 रुपए की दर से 2 नींबू खरीदा। जब दूसरी बार उसने खरीदा तो 2 रुपए में 1 नींबू खरीदा, ये तो कह रहा है कि 2 रुपए में 1 रुपए की दर से नींबू खरीदा। एसपी की बात जब आ गई तो इन दोनों को सेल जब किया 3:3 में किया, तो इसको कैंसिल कर दे तो 1:1 आ जाएगा, यानी 1 रुपए में उसने खरीदा और 1 ही में उसने बेच दिया। बस निकाल लीजिए, 1/2, 2/1 और 1/1, इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, इनका एलसीएम लिया तो कितना आया, 2, इसमें भी 2, इसमें क्या होगा, 2+2, क्यों, क्योंकि पहली बार में 2 नींबू खरीदा है, दूसरी बार में 2 नींबू खरीदा है, टोटल नींबू कितने खरीदे हैं, 4 नींबू, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 4, दोनों मिला कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, ये तो होगा भाई, दोनों तो टोटल है और इसमें टोटल ये बेच रहा है, तो यहां से यहां तक आने में उसको 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, हो गया ना, यानी CP-SP=5-4=1 रुपए की हानि। इसको यदि हानि परसेंट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निकालना है हानि परसेंट तो 1/CP हमारे 5 है और 1/5 आप जानते हो कितना होता है, 20%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यहां से आएगा टाइप चेंज, यहां से दर्जन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि दर्जन कैसे उसको चेंज किया जाएगा, किया जाएगा सवाल को देखिएगा। क्या कह रहा है, राहुल ने 375 रुपए में प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक खिलौना 33 रुपए में बेचा, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ कि दर्जन में उसने खरीदा, मान लीजिए 12 पेन खरीदा, इसने 12 पेन खरीदा और 12 में से उसने एक करके बेच दिया, तो सीपी भी तो 1 होनी चाहिए ना, जब 1 में बेच रहा है, मान लीजिए 5 रुपए का पेन आपने खरीदा और 10 में सेल कर रहे हो, तो 12 का थोड़ी ना पूरा ले लोगे भाई, 5 रुपए में खरीदा तो 12×5=60, अब 60 रुपए में खरीदा टोटल आपने पेन और 5-10 रुपए में सेल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, 1 पेन सेल कर रहे हो ना, तो 1 का आपको सीपी पता होना चाहिए, बस इतना ही समझने के फेर था, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने 375 रुपए में प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। अब 20 दर्जन से हमें कोई मतलब नहीं है, मुझको तो एक पीस चाहिए ना, 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी कि कितना है, 375 प्रति दर्जन की दर से, तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31.25, ये तो आएगा 31 पॉइंट, कितना जाएगा 25 आ जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी सीपी, भाई खरीदा ही तो है ये अभी। अब बेचने की बारी है, ये सिंगल पीस हो गया, मान लीजिए 1 पीस लिख दो आप, 1 पीस, अब 1 पीस इसने सेल किया कितने रुपए में, 33 रुपए में, ये क्या है हमारा सेल एसपी। अब आप एक बात बता दो यार, 31 रुपए 25 पैसे में कोई चीज खरीदा और 33 रुपए में बेच रहा है तो कितने का हुआ, 1.75, यानी 1 रुपए कितना जाएगा, 1 रुपए, हाँ ठीक है, 1.75 रुपए हो जाएगा, तो 1.75 रुपए अपॉन सीपी हमारी क्या है, 31.25 100 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, बस इसको काट दो तो क्या आ जाएगा, 5.6%,
और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? एक पीस तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि एक ही पीस उसने बेचा है। यदि वो दर्जन में कहा होता कि दर्जन में बेचा गया तब तो डायरेक्टली रख लिया जाता, यदि वो 20 दर्जन कहा होता तो इसका 20 में मल्टीप्लाई करके तब निकाला जाता। बेचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बेच कितना रहे हो, उसके अनुसार ये क्वेश्चन चलेंगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 रुपए में एक मेज खरीदा। अब आप कोई कह दे कि 5 रुपए का पेन खरीदा और 10 रुपए कॉपी खरीदी, तो दोनों ही तो खरीदा आपने, तो सीपी तो दोनों की होगी ना, कंबाइंड होकर जोड़ के पैसा मिलेगा ना सीपी आपका, कि भाई 5 और 10 कितना हो गया, 15 रुपए में आपने खरीदा ना, वो चीज है खरीदा। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया। सभी कुर्सियां और मेज को कितने में क्या बेचा? 7200 में बेचा। उसे उसके लाभ का कितना परसेंट है? पहले तो हमें एक बात बता दो, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि कुर्सी है तो कुर्सी उसने खरीदा, फिर उसने मेज भी खरीदा, बाद में जा बेचने की बारी आई तो दोनों को साथ में बेच दिया 7200 रुपए में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ, सातवां नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझे एक बात ये बता दो कि उसने 6 कुर्सियां 800 रुपए में खरीदी, तो 6 कुर्सियां है, 6 कुर्सियां प्रति की दर से, यानी कि प्रति दर 800 रुपए में खरीदा है उसने, यानी एक कुर्सी 800 रुपए में। देखो प्रति दर जब आ गया, प्रति दर जब आ गया तो समझ लो एक कुर्सी है ये, एक कुर्सी है ये, क्या है? एक कुर्सी है। तो 8 कुर्सियां कितनी हो जाएंगी? 8 से मल्टीप्लाई, एक मिनट गलत तो नहीं, सॉरी 6 कुर्सियां है या 8 नहीं है, 6 कुर्सियां है, तो कितना आ जाएगा? अच्छा 4200 रुपए में उसने टोटल कुर्सी खरीदी। ये एक कुर्सी का है प्रति दर के हिसाब से, ये 6 कुर्सियां हैं, तो टोटल कुर्सी हमारी क्या हो गई? 4200 हो गया ना। अब एक मेज उसने जो खरीदा है वो 1200 रुपए में खरीदा है, ये सॉरी 48 होगा ना, अच्छा 48 होगा, 4200 में 48 होगा, कितना हो जाएगा टोटल? भाई टोटल हमारी सीपी क्या हो जाएगी? टोटल सीपी हमारी क्या हो जाएगी? 4800 प्लस 1200 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। यानी टोटल उसका पैसा जो लगा था वो 6000 रुपए लगा था। ये जो थी हमारी सीपी, ये हमारी कुर्सी की थी, और ये जो सीपी थी हमारी वो हमारी मेज की थी। भाई टोटल दोनों को मिला के उसने बेचा था, एसपी में कितने बेचा था उसने? 7200 में, ये तो बेचा था। इसमें यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको? तो 1200 लगा, इसमें 1200 लगा ना, यानी 7200 है तो 1200 रुपए लगा। 1200 रुपए ये क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि 6000 की कोई वस्तु है 7200 में बेचेगा तो कितना? 1200 रुपए उसको प्रॉफिट हो जाएगा। बट 6000, 20 से 20 कैंसिल, इनटू 100, 1 से 10 कैंसिल, 6 × 12, तो कितना जाएगा? 20% इसका आंसर हार जाएगा। क्लियर हुआ भाई? पहला क्या कह रहा है कि एक कुर्सी प्रति दर से 800 रुपए में खरीदा, 6 कुर्सियां कितना हो जाएगा? 800 के दर से 4800 रुपए। तो अरे एक मेज भी तो खरीदा उसने 1200 रुपए में, तो टोटल हमारी सीपी क्या हो जाएगी? 6000 रुपए। एसपी हमें दे दिया है मेज प्लस कुर्सी बेचने का 7200 रुपए। 6000 रुपए में कोई चीज खरीदी, 7200 में बेचा, तो कितने का अंतर आ गया? 1200 का अंतर। तो 1200 पर 6000, क्योंकि सीपी हमारी 6000 है, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना, 20% इसका आंसर आ जाएगा। यहां आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कुर्सी प्लस मेज, क्या है? कुर्सी प्लस मेज है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा स्याही डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम।
तो यहाँ तक समझ आए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए आठवां नंबर देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लगेंगे। आठवां नंबर टाइप चेंज होता है। एक व्यक्ति को ₹1 में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो साफ साफ क्या कह रहा है, ₹1 में 12 संतरे बेचता है। क्या करता है, ₹1 में उसने 12 संतरे बेचे और उसे 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी कि ₹1 में 12 संतरे उसने बेचे और 20% का उसको नुकसान हो गया। अब वो सोचा कि क्यों ना इसमें क्या किया जाए कि 20% का लाभ हो। इसमें पूछा है कि क्या करें कि 20% का लाभ हो, यानी वो कितना संतरा बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी रेट। अभी वो क्या कह रहा है कि 12 संतरे जब बेच रहा उसने तो ₹1 में बेचा तो उसे कितने का नुकसान हुआ, 20% का। तो ₹100 में यदि 20% का उसको नुकसान हो जाएगा तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, ₹80 की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 100% पे सीपी मान के चलते हैं। 80 क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि 20% का उसको लाभ होना चाहिए। तो 20% का है तो ₹100 में यदि ₹20 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 120। अब आप ये सोचे 80 कैसा है, यहाँ तो 20 आना चाहिए, परसेंटेज घटाएंगे 20 ही आएगा, और 100 में यदि 20 घटाएंगे क्योंकि लॉस का बात है, ये हमारा प्रॉफिट की बात है, ये हमारे लॉस की बात है, तो 80 तो आएगा, यानी कि 120। यानी पहली बार उसको लॉस हो रहा था, अब उसको हो रहा प्रॉफिट। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 8 इधर चला गया, यानी 8 बराबर कितना हो गया, 1। यानी ₹1 में उसे 8 संतरे बेचने होंगे, 8 संतरे उसको क्या होगा, बेचना होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 2 सेकंड का आंसर है भाई, ₹1 जो है हमें मालूम है कि 100% पर हमें लेते हैं, तो पहले लॉस हुआ तो ₹80 आया, और जब प्रॉफिट हुआ तो ₹120 आ गया। ₹8 में कितना, 1 संतरा बेचा उसने, सॉरी ₹1 में 8 संतरा बेचा, तब उसको क्या होगा, 20% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जितने क्वेश्चन है इसी टाइप के हैं, नया टाइप अब नहीं आएगा, इतने टाइप है, उसके बाद फिर नए लेक्चर में नया टाइप। क्या करे, ₹1 में 32 ट्रॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, वह ₹1 में कितने ट्रॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वांटिटी और रेट। ₹1 में 32 ट्रॉफी बेच रहा है तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है, उसको हो रहा है 40% का नुकसान हो रहा है, 40% है ना, हाँ 40% का उसको नुकसान हो रहा है। तो 40% हट जाएगा तो कितना बचेगा, 60। भाई 100 में से 40% नुकसान कर दिया जाए तो 60 तो बचेगा, और वो कितने बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितना होगा, 6 × 12 ये तो हुआ, और इससे ये कैंसिल, यानी ये हो गया 16 और ये हो गया 1। यानी ₹1 में उसको 16 ट्रॉफी बेचनी होगी तभी जाके उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए 11th नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप सॉरी, वो 9th नंबर क्वेश्चन था, 10th नंबर अब आएगा, वो 9th नंबर क्वेश्चन था, बाई मिस्टेक हो गया, 9th नंबर था। 10th नंबर क्वेश्चन, ₹40 में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे ₹24 में कितने नींबू बेचने होंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा, ये 10वां नंबर है, ठीक है, वो 9वां नंबर था, 8वां के बाद 9वां था, ये 10वां है। क्वांटिटी और रेट, क्या कह रहा है, ₹40 में 45 वो बेच रहा है, ₹40 में 45 वो क्या बेच रहा है, नींबू बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उसे क्या हो रही है, 20% की
हानि हो रही है, यानी 20% की हानि होगी तो कितना जाएगा, कितना जाएगा, 80 आएगा ना, आएगा। अब वो ये कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचना पड़ेगा, यानी 20% का लाभ लेने के लिए 120 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, और इससे ये कैंसिल कितनी बार, 8 × 5 = 40, 5 इससे ये कैंसिल कितनी बार हो गया, ये 9 × 5 = 45, इससे ये कैंसिल 3 और 4, ये तो आएगा 3 और 4 आएगा ना, यानी अभी फिलहाल के लिए 4 रुपए में 3 नींबू बेच रहा है। अब इसमें क्या करो, इसको 24 बनाना है तो 6 × 24 और इसमें भी 6 × 24 कर लो, होगा कि नहीं होगा भाई, देखा गया कि इसमें 6 × 24 कर लो तो इसमें भी 6 × 24 हो जाएगा भाई, 24 ही रुपए में तो वो पूछ रहा है कितने नींबू बेचोगे आप, ये तो कह रहा है, यानी 24 रुपए ये आ गया और 18 रुपए 18 नींबू ये आ गया, यानी 24 रुपए में 18 नींबू बेचे, क्लियर, बेचे, और यही इसका आंसर हो गया भाई। देखिए साफ से साफ बात है, 4 आ गया 3 आ गया हमारे पास, अब मुझे 24 बनाना है, या तो आप इधर ले लो इसको, या तो आप इधर ले लो फिर 24 का भाग दे दो, या तो डायरेक्ट इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 24 आ जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, इलेवंथ नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी और रेट। पहले वो क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 12 संतरे खरीदे तो उसे 20% का नुकसान हो गया, 20% है ना, हाँ 20% का नुकसान हुआ, तो कितने में वो संतरे खरीदे होंगे। आप जानते हैं जब नहीं दिया होगा तो 100 मान के चलेंगे, सीपी तो 100 ही मान के चलोगे ना, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना लॉस हो रहा, तो सीपी हमारी 100 है, यदि इसमें प्रॉफिट होता तो 20% का प्रॉफिट होता, यदि लॉस होता तो 20% का लॉस होता, भाई सीपी हम 100 ही तो मान के चलेंगे और नीचे भी हम 100 मान के चलेंगे, इसी में इसका लॉस होगा और इसी में इसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो कोई बात ही नहीं हो रही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, यहां तक क्लियर हो गया, यानी 5 रुपए में उसने 3 क्या बेच रहा है, 3 नींबू 3 संतरे बेचे। अब मुझे 12 बनाना है, वो ये कह रहा है कि 12 संतरे कितने रुपए में खरीदे, तो 12 संतरे मुझको बनाना है कि कितने रुपए में वो खरीदेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 × 12 और इसमें भी हम क्या कर देंगे, एक मिनट क्यों काट रहे, 12 दिया तो 12 ही से डायरेक्ट रख लो ना, काटने के काम ही खत्म करो, यहां से देखो ये मुझे 12 दिया है और 12 ही मुझे पूछ रहा है 1 रुपए में 100/80, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 5/4, यानी कि 12 जो है वो कितना हो जाए 5/4, यानी 1.75, यानी कि 12 जो संतरे हैं, वो 1.75 रुपए में खरीदे गए होंगे, ये क्या है खरीदे, क्लियर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 दिया तो काटने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो काटोगे तो वैसे भी आ जाता, बट ये आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, समझिएगा बात को, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा 13वां नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 12वां नंबर है, हाँ 12वां नंबर है वो। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है,
तो 42 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे कुल कितने नींबू बेचने होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 12वां नंबर, वो 11वां नंबर था, ये 12वां नंबर। एक नींबू मतलब 11 नींबू 10 के भाव से खरीदा, क्वांटिटी टी और रेट 10 रुपए में 11 नींबू खरीदा। जब सीपी उसने खरीदा तो एसपी हमें दे दिया कि 10 नींबू 11 रुपए में खरीदा। बस 10/11 कर लो आप और 11/10 कर लो, तो टोटल हमारा क्या है 110। 110 नींबू खरीदा और 110 नींबू उसने बेचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 121। कितना का आ जाएगा 21 रुपए का लाभ आ रहा है भाई। हमारे अनुसार तो 21 रुपए का लाभ आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे अनुसार तो क्लियर आ गया कि 21 रुपए का लाभ होगा तो होगा, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 21 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है 42 कह रहा है। कितना कह रहा है 42, इससे कितना गुना 2 गुना। तो जब ये 2 गुना है, लाभ 2 गुना कमा रहा है, तो सामान भी तो 2 गुना होगा, यानी 110 × 2 यानी कि 220 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आराम से। पिछले जैसा क्वेश्चन था, बस ये कह रहा था कि इससे 2 गुना है तो ये भी इससे 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करिए, जिससे कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।